नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल RBSC विथ HSM में। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC के द्वारा नीट 2020 में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग शेड्यूल के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। राउंड सेकंड के काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार निर्धारित की गई है। 20 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2020 तक हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक हम कॉलेज चॉइस फिलिंग का कार्य कर सकते हैं। 25 से 26 नवंबर 2020 तक सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होगी और 27 नवंबर 2020 को जो रिजल्ट है, सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। विद्यार्थी 28 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर 2020 तक कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड राउंड की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, जिसे रिवाइज्ड किया गया है, इस प्रकार निर्धारित किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबल कैंडिडेट्स के संदर्भ में। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट को देखने के लिए हमें न्यूज़ एंड इवेंट्स पर आर्चीव पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट फॉर इंडियन टू NRI राउंड सेकेंड, इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। एलिजिबल NRI कैंडिडेट्स लिस्ट फॉर UG 2020 राउंड सेकेंड, या हम रोल नंबर एवं कैंडिडेट्स नेम के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी सूची जारी की जा चुकी है, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भाग लेंगे, राउंड सेकंड काउंसलिंग में भाग लेंगे। इस PDF फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से 151 जो विद्यार्थी हैं, उनकी लिस्ट जारी यहां पर की गई है। अब बात करेंगे हम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें न्यू रजिस्ट्रेशन एवं कैंडिडेट लॉगिन ऑप्शन का उपयोग करना होगा। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। कैंडिडेट विल गेट वन टाइम पासवर्ड OTP फॉर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन मोबाइल नंबर विच कैंडिडेट इज फर्निशिंग इन दिस फॉर्म, प्लीज कीप मोबाइल रेडली अवेलेबल विथ यू। तो यहाँ पर हमें दिए गए बॉक्स में रोल नंबर फिल करना होगा, एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा, कैंडिडेट नेम फिल करना होगा, मदर्स नेम, DOB जिसमें डे, मंथ और ईयर, इसके पश्चात मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सिक्योरिटी पिन फिल करने के पश्चात हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमें पासवर्ड प्राप्त होंगे। इन पासवर्ड्स को लेकर हमें लॉगिन पर जाना होगा। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर हमें रोल नंबर फिल करने होंगे और पासवर्ड फिल करने होंगे। इसके पश्चात सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने कॉलेज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएंगे, जहां पर हम आसानी से कॉलेज चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और फीस के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस के संदर्भ में
विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBS विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।